नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला का आगाज 26 दिसंबर से होने जा रहा है। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है, जिसकी वजह है भारतीय टीम का लगातार विदेशी दौरों पर अच्छा प्रदर्शन करना। बता दें कि भारत 3 साल बाद दक्षिण अफ्रीका दौरे पर आया है। भारत ने आखिरी बार साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका दौरा किया था, जहां टीम को उस दौरे पर शानदार प्रदर्शन के बाद भी 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था। मगर अब हालात बदल चुके हैं। उस समय की भारतीय टीम और आज के समय की भारतीय टीम में काफ़ी बदलाव आ चुका है। इस बात को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डीन एगर ने ऐसे भारतीय गेंदबाज का नाम लिया है जिसका सामना करना अफ्रीकी कप्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एगर ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ की है और उन्हें अपनी टीम के लिए खतरा बताया है। उनका मानना है कि विदेशी परिस्थितियों में भारतीय आक्रमण में काफ़ी सुधार आया है और बुमराह तेज गेंदबाजों की मददगार पिचों पर फायदा उठाने में सक्षम है। आपको बता दें कि बुमराह के टेस्ट करियर की शुरुआत साल 2018 के दक्षिण अफ्रीकी दौरे से ही हुआ था, जहाँ उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। बुमराह को खतरनाक मानते हुए डीन एगर ने कहा कि उनकी टीम के लिए पूरे भारतीय अटैक का सामना करना मुश्किल होगा। बुमराह को लेकर डीन एगर ने अपने बयान में कहा कि विदेशी दौरों पर भारत की गेंदबाजी में काफ़ी सुधार हुआ है। हम जिस बॉलिंग अटैक के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, उसके खिलाफ काफ़ी सावधान रहना होगा। ये बताता है कि पिछले कई सालों में भारतीय गेंदबाजी अटैक ऐसा हो गया है जो विदेशी धरती पर जाकर विदेशी टीम को भी डरा सकता है, जो भारत के आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।